Do the ishq, baby. देखिए, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद ऐसी कीजिए कि इंसान शख्स जो है आत्मनिर्भर हो सके। और भाई गॉड के साथ इनके इश्क में मैं पिघल गया हूँ। गुड मॉर्निंग, आशीष के साथ हैं 104.8 इश्क एफएम पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव चरणों में समर्पित होते हुए इनके इश्क में मैं पिघल रहा हूँ। और इनका नाम है लिटरेसी इंडिया, जो कि 25 सालों से लगे हुए हैं इस प्रयास में कि हर कोई आत्मनिर्भर हो सके, इस देश का हर एक बच्चा जो है उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अब तक 7 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को जो है पढ़ा चुके हैं, उनको आत्मनिर्भर बना चुके हैं। अब ऐसे में हमारे साथ प्रीति सिंह हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मास्टर कार्ड इंडिया से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कब से किन कार्यक्रमों के लिए आप लिटरेसी इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं? और लिटरेसी इंडिया के 25 साल होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाइयां। बिग थैंक्स टू कैप्टन इंद्राणी फॉर सेटिंग अप लिटरेसी इंडिया। मास्टर कार्ड 2012 से लिटरेसी इंडिया के साथ में एसोसिएटेड है और हमारी उनके साथ पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी रही है। बेसिकली हम लोग 4 ब्रॉड एरियाज में लिटरेसी इंडिया के साथ काम करते हैं। पहला जो है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, एंड हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। दूसरा है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हमारा मास्टर कार्ड का CSR का ऑब्जेक्टिव है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में एजुकेट करें। तीसरा है एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे वुमेन और जो यूथ है उनके पास स्किल्स जो है मगर उनको शार्प करना पड़ता है, जो कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करें, सो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। और चौथा एस्पेक्ट जो है वो है एनवायरनमेंट। सो ये एनवायरनमेंट हमने बहुत सारा सीखा है और पेड़ प्लांट करने के लिए काफी सारा एक्टिविटीज चालू किया है। अभी तक हमने 22,500 वुमेन यूथ चिल्ड्रन को टच किया है। हमारे लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रही है और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। क्या बात है। और ये जो आपने इरादा करा है ना हर किसी को आत्मनिर्भर बनाने का, और ये जो आपने बोले कि स्किल्स होते हैं लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करें, आजमाएं कैसे, उसको अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें, एंड द बेस्ट पार्ट इज एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना, जिसकी आज विच इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की।